2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। धान के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 2018-19 के मुख्य खरीफ फसल धान के समर्थन मूल्य में 13% की बढ़ोतरी हो गई है और इसका मूल्य बढ़कर 1750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। साथ ही सरकार ने 13 दूसरे खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। इस मुद्दे पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मुलाकात की थी। सरकार के इस फैसले का फायदा देश के करीब 25 करोड़ जनता को होगा जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं। 10 साल बाद फसलों के समर्थन मूल्य में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपी पर क्विंटल मिलेगी। देखिए कोई भी चीज है, 4 साल तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि खानी का आपने फैसला ले लिया, तो उसके साथ में पैसा भी आएगा। पैसा आएगा तो कहां से आएगा, कैसे आएगा, किसान को देंगे, किसान का टोटल क्या कहते हैं कि, तो सरकार का जो काम है, सरकार ने तो ये नहीं कहा था ना कि हम आज घोषणा कर रहे हैं और कल हम इसको लागू करने जा रहे हैं। तो सरकार उसमें तो सब लगता है, इतनी सारी योजनाएं हैं, पर प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि सिंचाई योजना, क्या कहते हैं जो अब जैसे मानते हैं कि हमने कि किसान के आय को दुगना करने को कहा है, तो मानते हैं कि उसी में बढ़ता हुआ ये सब कदम है।